हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तौफीक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लक्ष्य स्टूडियोज़। तो आज हम देखेंगे फोटोशॉप में इमेजेस का बैकग्राउंड कैसे रिमूव किया जाता है और उसको पीएनजी में कैसे सेव किया जाता है। तो इस एग्जांपल में हम बेसिक लेवल की एडिटिंग देखेंगे, उसके बाद थोड़ा सा हम एडवांस लेवल की एडिटिंग आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। तो ये पहले अगर आप ठीक से समझ लें, ये आपको परफेक्ट आ जाए ठीक तरीके से, उसके बाद आप ट्राई कर सकते हो एडवांस लेवल की। तो सबसे पहले मैं एडवांस लेवल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा और टेक्निक्स भी अलग होंगी। यहाँ पे बेसिक लेवल इसीलिए क्योंकि ये करने में कंपैरेटिवली और रिलेटिवली ईजियर होगा, इसीलिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए ये सिंपल क्यों है, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो बैकग्राउंड प्लेन है, सिंगल कलर का या सिमिलर कलर का बैकग्राउंड है। और यहाँ पर अगर हम इस पर्सन के हेयर देखें, लड़की के, तो बिखरे हुए नहीं है बिल्कुल भी, तो ये सिलेक्शन करने में हमें आसानी होगी। तो यहाँ पे मेरा टास्क क्या है कि बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए सबसे पहले तो मैं बैकग्राउंड सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं मैजिक वन टूल का यूज़ करूँगा। आप किसी भी टूल का यूज़ कर सकते हो जो आपको आसान लगे, मैं यहाँ पे मैजिक वन टूल का, क्योंकि सिमिलर बैकग्राउंड है इसीलिए। ये देखिए यहाँ पे इसको, और जितना हम बैकग्राउंड अच्छी तरीके से सिलेक्ट करेंगे उतना ही वो अच्छी तरीके से रिमूव होगा। ये देखिए यहाँ पे ऐड टू सिलेक्शन मैंने यहाँ पे रखा है, इसीलिए ये ऐड हो रहा है। ये देखिए जूम करके कीजिए तो और आपको सिलेक्शन करने में आसानी होगी। ये देखिए यहाँ पे, और ये जितना आप कर सको उतना कीजिए, और इसमें हम थोड़ा सा फिनिशिंग टचेस भी देंगे बाद में। तो ये सिलेक्शन हो गया है यहाँ पे, ये भी। इसके बाद मैं इसको इन्वर्स करूँगा। देखिए सिलेक्ट इन्वर्स, ये आप शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हो। और इसको मैं लेयर मास्क अप्लाई करूँगा। देखिए यहाँ पे क्लिक कीजिए, ऐड मास्क पे क्लिक कीजिए, तो ये बाकी सारा हाइड हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको जूम करके देखें तो यहाँ पे देखिए ये वाला एरिया अभी भी बाकी है। तो इसको मैं थोड़ा सा अंडू करता हूँ, अंडू, और ये सिलेक्शन करता हूँ। देखिए मैंने बिल्कुल दो बार अंडू किया और वापस इन्वर्स करना पड़ेगा अभी, और वापस इसे मास्क ऐड करता हूँ। फिर भी अगर आप क्लोजली देखें, जूम करके देखिए, यहाँ पे कुछ एरिया अभी भी बैकग्राउंड का हमें विजिबल है। तो एक सिंपल टेक्निक का हम यूज़ करेंगे, मास्क के ऊपर, ये जो मास्क का थंबनेल है इस पर हम डबल क्लिक करेंगे, या यहाँ पे भी आप क्लिक करके जा सकते हो, दोनों में से कुछ भी जो आपको ईजी लगे। डबल क्लिक कीजिए, यहाँ पर क्लिक कीजिए, तो ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें से हमें ये जो सेकेंड टूल है, रिफाइन एज का ये ब्रश है, ये सिलेक्ट करना है हमें। और यहाँ पे देखिए ब्रश की साइज अकॉर्डिंगली रखिए, थोड़ी सी बड़ी एज से, और यहाँ पे सिंपली हमें ड्रॉ करना है। देखिए ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा हमें लगे कि इतना वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे हम इसको छोड़ देंगे माउस को, तो ये बहुत ही अच्छा, परफेक्ट नहीं करेगा लेकिन परफेक्ट के करीब ये ठीक ठाक कर देगा। ये देखिए इसके बाद ये, यस वेरी गुड, ये भी सिर्फ हमें मूव करना है। इसमें हमें चेंज जो ब्रश की साइज़ है वो हम अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं, अगर हमें ठीक नहीं लगा तो ये ब्रश की साइज़ हम चेंज करके देख सकते हैं। सिर्फ हमें ड्रॉ करते जाना है, जैसा कि आप देख सकते हो कि एजेस भी इतने यहाँ पे रफ लग रहे हैं, तो इनको ठीक करने के लिए ऐसे आप मूव कर सकते हो यहाँ से। अभी ये यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, लेकिन फिर भी यहाँ पे ब्रश थोड़ा कम अगर मैं रखता तो और अच्छा आ जाता यहाँ पे, फिर भी ठीक है। ये देखिए ये वाले एजेस, क्योंकि इसका कलर बिल्कुल ही अलग है बैकग्राउंड के कलर से, तो ये ठीक ठाक हो रहा है रिमूव। तो ये आपको आइडिया तो आ गई होगी कि रिमूव कैसे करना है। सिमिलरली इसी टेक्निक का यूज़ करके पूरा हमें रिमूव करते जाना है। तो यहाँ पे अभी मैं पूरा नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें बहुत ही टाइम जाएगा और आपका इसमें टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको तो टेक्निक समझ में आ गई कि कैसे ये करना है। सेम टेक्निक है, आपको ये सिर्फ ड्रॉ करते जाना है कुछ इस तरह से। तो आपको ये देखिए थोड़ा ये मैं करके दिखाता हूँ, और इसको अगर आप साइज़ थोड़ा वेरिएशन रखें तो और अच्छी तरीके से आपको आ जाएगा। ये देखिए इस यहाँ पे देखिए, अभी ये थोड़ा सा मैं कम करता हूँ ब्रश का साइज़ और यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, तो और अच्छी तरीके से वो काम करेगा।
इसको जूम आउट करते ही देखिए, ठीक ठाक यहाँ पे भी आपको करना पड़ेगा, और ये अगर आप देखें तो यहाँ पे भी थोड़ा बाकी है एक्चुअली। ये देखिए, ये जो कलर है ये बाकी रह गया यहाँ पे, तो इसको हम सिंपली क्या कर सकते हैं, देखिए इसको ओके करता हूँ मैं, और ये इमेज पे सिलेक्ट करके इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ। देखिए डिलीट की से इसको डिस्ट्रक्टिव मैंने किया क्योंकि ये रह गया, लेकिन बाकी तो ये अच्छा लग रहा है। इसको हम एक सॉलिड बैकग्राउंड लेते हैं, इसको नीचे लेते हैं और चेक करते हैं कि कैसा इफेक्ट आ रहा है। ये देखिए, तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा हमने यहाँ पे काम किया, और यहाँ पे नीचे थोड़ा सा रह गया मेरे ख्याल से, जो हमने पहले ही नहीं किया था सिलेक्शन। ये देखिए नीचे थोड़ा सा रह गया, तो उसको भी यहाँ पे इमेज पे जाके मैं ये देखिए डिलीट कर देता हूँ, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी यहाँ पे जाके चेक करते हैं, ठीक है वेरी गुड। यहाँ पे हमें थोड़ा सा रिफाइनेज करना पड़ेगा, ये देखिए यहाँ पे, तो और अच्छे से दिखने लगेगा। और ये जो थोड़ी सी शेड आ रही है बैकग्राउंड की, वो भी हम रिमूव कर सकते हैं, लेकिन वो हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। अभी के लिए ठीक लग रहा है, नॉट परफेक्ट बट प्रिटी गुड। अभी देखिए यहाँ पे ये कलर अगर हम चेंज करके देखें तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इस इमेज को हम किसी भी दूसरे इमेज में यूज़ कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये इस इमेज में यूज़ करना है, तो इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे रख सकता हूँ। सॉरी, इन्हें ये इमेज मुझे सिलेक्ट करनी पड़ेगी, ये देखिए कुछ इस तरह से, तो ये बिल्कुल यहाँ पे मैच हो जाएगी। तो इसको पीएनजी में सेव कैसे करना है, अभी इसको बैकग्राउंड को मैं बंद कर देता हूँ। अभी ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि बैकग्राउंड ही नहीं है इसको, तो सिंपली आपको जाना है सेव एज। लेकिन अगर आप ये जेपीजी में सेव करोगे तो वापस बैकग्राउंड आएगा, तो जेपीजी में मैं पहले करता हूँ। देखिए जेपीजी, इसको मैं 1 2 3 4 नाम देता हूँ, और देखिए सेव, ओके। तो जेपीजी में प्रॉब्लम क्या होगा, इसको वापस ओपन करता हूँ डेस्कटॉप पे जाके, देखिए तो ये वापस वाइट बैकग्राउंड यहाँ पे आ जाएगा, इसीलिए हमें पीएनजी में सेव करनी पड़ती है। हम हालांकि जीआईएफ में या गिफ में सेव कर सकते हैं, लेकिन गिफ में तो मैक्सिमम कलर 256 होते हैं, इसीलिए अच्छी क्वालिटी अगर हमें चाहिए तो पीएनजी में सेव कीजिए। सेम इसको नाम देता हूँ 1 2 3 4 5 नाम देता हूँ, और ये लार्ज फाइल रखिए क्योंकि क्वालिटी अच्छी आएगी। ये देखिए, इसको मैं डबल क्लिक करके ये जो पीएनजी इमेज है इसको ओपन करता हूँ, अभी सेव नहीं हुई है। थोड़ा सा उसको टाइम लगेगा सेव होने में, सेव हो गई। ये देखिए, ये 1 2 3 4 आप नाम देख सकते हो इसका, और ये आप किसी भी इमेज में यूज़ कर सकते हो। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, तो ये पीएनजी इमेज कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे क्रिएट की ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड की। और एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, ये भी इसमें हल्का सा अगर आप देखें तो बाल थोड़े से बिखरे हुए हैं, तो ये मैं वापस सिलेक्शन कर देता हूँ ठीक से। ये देखिए सिलेक्शन हो गया। अभी यहाँ पे अगर आप देखें तो अंदर की ओर भी थोड़ा सा यहाँ पे बाकी है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं हम, और इसको सिंपली इन्वर्स कर देता हूँ मैं, कंट्रोल शिफ्ट आए, और ये बैकग्राउंड को मैं कैंसिल करके लेयर मास्क दे देता हूँ, और वही डबल क्लिक करके ये देखिए, क्योंकि अभी हम सिर्फ एक टेक्निक का देख रहे हैं, बाद में हम दूसरी टेक्निक जब देखेंगे तो और भी हम अच्छी तरीके से रिमूव करेंगे। तो ये सिंगल टेक्निक का पहले परफेक्शन इसमें लाइए, उसके बाद हम देख लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मेरे ख्याल से प्रॉब्लम आएगा, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि रिफ्लेक्शन आ रहा है बैकग्राउंड का, तो वो भी हम रिमूव कर सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ये ज़्यादा हो गया, इसको अंडू करता हूँ मैं, तो इसी को थोड़ा सा कम करके मैं ये यहाँ पे देख सकते हैं आप बैकग्राउंड का रिफ्लेक्शन, इसको भी मैंने किया, और ये ओके कर दीजिए, और इसको भी देखिए सेव एज पीएनजी कर देता हूँ, क्योंकि फ्यूचर में अगर हमें यूज़ करना है तो सेव एज पीएनजी हमें करना पड़ेगा। इसको एबीसी नाम देता हूँ, और ये एबीसी, ये देखिए ये
हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी इमेज में। थोड़ा सा यहाँ पे रहेगा लेकिन और थोड़ा सा हम वर्क करेंगे तो वो हो जाएगी ठीक से। तो ये इमेज अच्छी तरीके से होगी इसमें, तो इसमें हम और वर्क कर सकते हैं, अलग टेक्निक का यूज़ करके कर सकते हैं। लेकिन बेसिक आप याद रखिए कि इस तरह से हम बैकग्राउंड डिलीट करके पीएनजी में सेव कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू व्हेन आई सी यू।